लो जी भावा जी, हमारी टीम में आ चुकी है DMT फ्रिया और VK मिस्टर ओवी। क्या बात है, क्या बात है, बहुत। तो हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। तो हमारे हम खेल रहे थे बिहार ने, ठीक है। तो मैं रैंडम खेल रहा था, तो आगे है हमारी मैच में DMT फ्रिया, उसकी स्क्वाड और मिस्टर ओवी, ठीक है। तो मैं पहले ट्राई करता हूँ रश करने के लिए, मतलब प्लैंड करता हूँ, लेकिन वो काफ़ी जो साथ वाले थे ना रैंडम थे, तो इस वजह से वो साथ नहीं चलते। तो मैं चलो मैं खुद ही जाता हूँ। तो मैं यहाँ मतलब हमारे पास फाल्को नहीं था ना, तो मैं यहीं उतर जाता हूँ, ठीक है। तो इधर उतरता हूँ, तो यहाँ से सबसे पहले ना मैं वो कहते हैं उसको गन वगैरह जो, हाँ वो उठा लेता हूँ, M10। हाँ M10 उठा लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं लॉन्च पैड यूज़ करता हूँ और सीधा ऑब्स बैटरी में, और यही और यहाँ से जब मुझे कुछ नहीं मिलता ना, ठीक है, तो मैं भागता भागता जाता हूँ यहाँ से ना। यहाँ एक लड़की आती है, मुझ पर रश करती है, ठीक है। और पहले मैं डैमेज देता हूँ, काफ़ी ड्लो कर देती है मुझे, मुझे यकीन नहीं था, लेकिन एकदम से उसको थोड़ा सा ना हेड पे लगती है, तो वो डाउन हो जाती है, ठीक है। तो इसको कंफर्म करने के बाद ना जल्दी से, ठीक है, कंफर्म करता हूँ सबसे पहले इसको मैं, और मैं देखता हूँ अगर कोई बंदा तो नहीं है। तो फिर आराम से मैं मेडिकेट यूज़ करता हूँ, ठीक है। और मेडिकेट यूज़ कर रहा होता हूँ ना साथ, फिर जाके देखता हूँ लूट पूरी कर लेता हूँ अपनी, तो बाउंटी अपनी लूटता हूँ मैं, ठीक है। बाउंटी लूटने के बाद ना जल्दी से ना, या एक मुझे एक और बंदे का ना साउंड आता है, जो बंदा मेरे मतलब इसी घर के ना छत के ऊपर होता है, ठीक है। तो मैं देख रहा होता हूँ यह है किधर, तो पहले तो मुझे नज़र नहीं आता, और फिर मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, क्योंकि रैंडम में रिवाइव करते हुए नहीं मसला होता। सो जब पता चलता है कि ऊपर है, तो नॉर्मल सा बंदा था, इतना को नहीं था, ठीक है। तो ऊपर जाते हैं, ठीक है, मैं उसको देख रहा होता हूँ ना, तो जैसा वही रहता है ना, उसको कोई समझ नहीं लग रही है अन्य जगह। तो मैं इसको अभी डाउन किया, ठीक है, इसको फिनिश करता हूँ जल्दी से। और देखो DMT फ्री आके जो नीचे शो होने लग पड़े हैं नोटिफिकेशन की, वो किल कर रही है। तो यहाँ आगे फाइट हो रही थी, तो मैं कहा चलो मैं अकेला ही रश करता हूँ, क्योंकि वो बहुत कैंपिंग कर रहे थे जो साथ वाले टीम मेट थे मेरे। तो मैं यहाँ एक बंदे को ना डाउन करता हूँ, ठीक है। एक राइट से आता है, तो राइट से आता है ना मुझ पर रश करने के लिए, मैं उसको डाउन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक ऊपर होता है, मैं समझता हूँ ऊपर एक बंदा है, और मैं इसको ना डाउन करने के मतलब ऊपर वाले छत पे था और एक नीचे था ना, छत वाला पीछे हो गया, मैं इसको डाउन करता हूँ। मैं समझता हूँ ये एक है, और मैं जल्दी से रश करता हूँ कि मतलब इसको डाउन हुआ है, रश करता हूँ, लेकिन उसके साथ एक और था, रिवाइव कर देते हैं, और मैं यहाँ डाउन, और यहाँ मैं डाउन हो जाता हूँ। मैंने कहा मैं मर गया, लेकिन मेरी किस्मत चेक करो, वो बंदा आके वापस भाग जाता है, और मैं जल्दी से इंजेक्शन लगा के और दोबारा से रिवाइव हो जाता हूँ खुद ही। और यहाँ मैं सुपर मेडिकेट यूज़ करता हूँ ना, तो मैं कहा चलो रश करते हैं, देखा जाएगा जो होगा देखा जाएगा। तो मैं समझा कि DMT फ्री है ना इधर ही है, क्योंकि उसके नीचे वो नोटिफिकेशन आया था, अभी देखो आया DMT फ्री का। मैं समझा यहाँ ऊपर है, मैं भागा भागा गया, मैं उसको मारूंगा मारूंगा। तो मैं यहाँ देखता हूँ पहले बंदे के साउंड चेक करता हूँ किधर है, और जल्दी से ना नीचे जाता हूँ। और हाँ यहाँ ये कोई और बंदा था, मतलब इस तरह ही था, मैंने समझा DMT वालों का। और इसे डाउन करने के बाद यहाँ से ना एक बंदा मेरा हुआ हुआ था लॉक, मैंने कहा चलो उसको रिवाइव करो, मैंने देखा ही नहीं। और मैं जल्दी से यहाँ लूट करता हूँ और इसके नीचे जाता हूँ, ठीक है, बीमा शक्ति के नीचे वाली जगह जो भी है। और यहाँ एक बंदा तो ऊपर, मैंने कहा एक है, मैं इसको मारने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं काफ़ी मुझे वो डैमेज दे देते हैं, ठीक है, और मैं नॉक हो जाता हूँ, और ये मुझे पूरा कर देते हैं। और जल्दी से मेरा जो टीममेट जोया है, तो इसको मैं बोलता हूँ कि यार जल्दी से मुझे रिवाइव दो, ठीक है। तो मेहरबानी है इसकी, रैंडम थी लेकिन फिर भी इसने रिवाइव कर ही दिया, हाँ किस्मत। तो नीचे DMT वालों के काफ़ी किला आ रहे थे, तो ये जल्दी से मुझे रिवाइव करती है, और मैं अपनी लूट पे वापस पहुँचता हूँ और अपनी लूट करता हूँ, ठीक है। आराम सुकून से यहाँ बैठता हूँ, इजी से इसको ना ग्लू वाल उठा के लगा लिया, और हाँ फिर बाबा जी अपनी लूट करनी है मस्त माहौल में, ठीक है, कोई मसला नहीं। एक बाइक वाला आ जाता है, ठीक है, रिवाइव करने जा रहा होता है, और मैंने एक के निकाली और एक के से इसको हेड मार कर डाउन कर देता हूँ, ठीक है। और एक बंदा ऊपर से ना लैंड कर रहा होता है बैक साइड पे, अब वो मेरा टीममेट जो है, ठीक है, उस पर रश कर देता है, मैं कोशिश करता हूँ मैं किल करूँ, लेकिन वो किल कर देता है ना। तो मैं वापस भाग के जाता हूँ, ठीक है, जल्दी से वापस जाता हूँ। इसमें इसके डब्बे में मैंने समझे लूट होगी, मैं वापस आके लूट करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन लूट नहीं होती, और मैं जल्दी से जा रहा होता हूँ वापस लूट की तरफ ही। मैं कहा चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा ना, लालच कम नहीं होती। और जल्दी से वहाँ मुझे एक बंदा और दिख जाता है, तो मैं ट्राई करता हूँ चलो इसको मारते ना। तो वो बंदा ही किल करने जाता है, इसको मैं चोरी करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं होता। वो एक बंदा आगे से वहीं से आगे से आ रहा, तो मुझे साउंड आया था, और उसे मैं डाउन करता हूँ, ठीक है। इसका एक टीममेट साथ ही बैक साइड पे अभी निकलेगा, वो पीछे भाग है और रिवाइव करने के लिए जा रहा है, ठीक है। मैं इसको पूरा करता हूँ ताकि इंजेक्शन ना लगाए, और मैं जब रिवाइव कर रहा होता है मैं अंदर घुस जाता हूँ, ठीक है, और इसको मैं मारता हूँ 3 गोलियाँ शॉट गन, और ये और इसे डाउन कर किया होता है ना मैंने, ठीक है, इसको डाउन करके मैं यहाँ से ना कर रहा होता हूँ लूट।
और अभी इसकी मैं लूट करता हूँ, ठीक है। लूट करने के बाद मैं यहीं से ना जा रहा होता हूँ तो आगे से एक बंदे का साउंड आता है, मैं जल्दी से जाता हूँ और इसको मैं मारता हूँ शॉटगन से ना। तो ये बंदा काफ़ी डैमेज देने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। और जल्दी से इसको डाउन करने के बाद, मतलब कि एक बंदा जो ऊपर से मुझे रश कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अब मैं यहाँ रैंडम था, ठीक है, मतलब रैंडम साथ थे टीम मेट, मैं अकेला भी था, मैं भागता हूँ। मैंने कहा इन्होंने रिवाइव करना नहीं, लास्ट टाइम है और मुझे ख़राब नहीं करना, मैंने DMT फ्रिया को मारना ही मारना। तो इस चक्कर में मैं जल्दी से ना लॉन्च पैड यूज़ करता हूँ, ठीक है, और एक यूज़ करता हूँ उधर, और उसके बाद देखता हूँ मैंने कहा शायद यहाँ कहीं बंदे होंगे या टीम मेट मेरे। और जब देखता हूँ कि टीम मेट मेरे जो है ना ऑब्जर्वेटरी में, तो मैं दोबारा से लॉन्च पैड यूज़ करता हूँ और ऑब्जर्वेटरी की तरफ ना निकल जाता हूँ। और यहाँ से एक बंदा वो ऊपर से जा रहा होता है और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ कि ऊपर से बंदा आया, लेकिन वो सुन रहे नहीं होते, वो अपनी हवाओं में लगे होते हैं ना। और यहाँ होता है DMT मलिक, ठीक है, जो DMT फ्रिया की ही स्क्वाड में था, और यहाँ मिस्टर ओवी ने फेक DMT फ्रिया को मारा है। और जैसे मलिक आता है, इसको मैं डाउन करता हूँ, मलिक मुझे डाउन कर देता है, जो आजकल ग्लिच चल रहा है। और इंजेक्शन लगा लेता हूँ जल्दी से, मैं उठता हूँ, मैंने कहा इससे पहले मैं लगा लूँ, और मैं इसे डाउन कर देता इधर ही। और इसको डाउन करने के बाद मैं बैठता हूँ आराम से, मैं सुपर मेडिकेट यूज़ करता हूँ इधर बैठ के। और वहाँ काफ़ी मेरे टीममेट जो है फाइट ले रहे होते हैं, तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था, काफ़ी बंदे ऊपर नहीं मतलब फायर करने लगे हुए थे, नहीं समझ लग रही थी। तो उनको बोलता हूँ, मैंने कहा यार देखो आराम सुकून से खेलो, कोई मतलब जल्दबाजी नहीं है। और कहते हैं वो, उन्होंने आगे से कोई जवाब तो देना नहीं था, लेकिन मैंने उनको बोल दिया था ईजी होकर खेलो। और जल्दी से मैं जाता हूँ, मुझे एक बंदे का साउंड आता है ना, मैं यहाँ भाग रहा होता हूँ, लेफ्ट साइड में मुझे साउंड आता है कि बैठा हुआ है वो शख्स, तो शख्स की टीम मेट जो भी है। और मैं यहाँ से जाता हूँ जल्दी से उसको मारता हूँ, इनका स्क्वाड फिनिश हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो पीछे बंदे बच जाते हैं 11, और काफ़ी फाइट ले रहे होते हैं, ठीक है, मेरे टीममेट भी फाइट ले रहे होते हैं बैक साइड पे, और एक मेरा टीममेट जो नॉक होता है। और मैं समझता हूँ कि नहीं, जो बंदा जो है ना ऊपर है, ठीक है, तो इसको डैमेज देने के बाद, ठीक है, काफ़ी डैमेज देता हूँ, तो डैमेज दे रहा होता हूँ ना, तो मैं कह शायद इसके पीछे बंदा है। तो वहाँ से मैं भाग के जाता हूँ, ठीक है, इनको रिवाइव देने के लिए, क्योंकि एक और डाउन हो चुका होता है, तो वापस भाग के जाता हूँ। तो इनको रिवाइव करने के लिए ना मैं सुप कहते हैं सुपर वाला दो, तो मेरे पास काफ़ी टोकन पड़े थे, तो इनको मैंने सुपर रिवाइव दिया है, ठीक है। सुपर रिवाइव देने के बाद मैं नीचे से आता हूँ, तो यहाँ एक बंदा होता है जानी, ठीक है, वो साइड से रश करने लगा हुआ होता है ना, तो उसको रश करने के मैं देख लेता हूँ उसको ना, उसको काफ़ी डैमेज देता हूँ मैं, तो मैं उसको भागने देता हूँ, वो भाग रहा होता है। मैंने कहा शायद इंजेक्शन यूज़ करें, तो फुल करो, कोई रिस्क लेने वाली टेंशन ही नहीं है। तो सीधे सीधा भाग के जाते हैं, लास्ट बंदा बचता है, ठीक है, इसको मैं नेट करता हूँ, मैं कहा शायद नेट से मर जाए, लेकिन ये मेरा टीममेट इसको मार देते हैं, और यहाँ हमारा हो जाता है भुया। और जैसे कि DMT फ्रिया की टीम को तो फिनिश कर दिया था, लेकिन DMT फ्रिया नहीं हो सकती।